हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम समझ लेते हैं कि डीएम प्लांट होता क्या है। डीएम प्लांट मतलब डीमिनरलाइजेशन प्लांट, मतलब इसमें हम जो वाटर में इम्प्योरिटीज रहते हैं, मिनरलाइज रहते हैं, उसको सबको फिल्टर करके बॉयलर को भेजना होता है। डीमिनरलाइजेशन प्लांट, हम इंडस्ट्री में रॉ वाटर क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मिनरल्स यूज होते हैं। जब वो हाई टेम्परेचर पे आ जाएंगे तब वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वाटर में सोडियम क्लोराइड रहा, एट हाई टेम्परेचर सोडियम एंड क्लोरीन विल गेट सेपरेट। जब ये सेपरेट हो जाते हैं तो ट्यूब के ऊपर आके सेटल हो जाते हैं। जब सेटल हो जाएंगे तो तुम आप कितना भी हीट प्रॉपर तरीके से भेजो, फिर भी वो अंदर ट्यूब के अंदर का पानी हीट नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर स्केल रहता है। तो जब हीट ज़्यादा गर्मी की वजह से ट्यूब फेलियर हो जाता है और अंदर का पानी गर्म नहीं होता, इससे बॉयलर एफिशिएंसी भी कम होता है। इसलिए हम डीमिनरलाइजेशन प्लांट यूज़ करते हैं, उसमें से सारा वाटर का इम्प्योरिटी फिल्टर करने के लिए। तो चलिए समझ लेते हैं कि कौन कौन से इम्प्योरिटीज़ रहते हैं जो डीएम प्लांट में हम रिमूव कर सकते हैं। पहला तो आता है स्लर्ज, डर्ट, ये सब टोटल सस्पेंडेड सॉलिड में आते हैं, क्योंकि ये हमारे आँख को दिखाई देते हैं, इसलिए हमको इसको टोटल सस्पेंडेड सॉलिड बोलते हैं। उसके बाद हम डीएम प्लांट में आने वाले सॉफ्टनर बॉडी से, फॉर एग्जांपल एसिड कैट आयन, स्ट्रॉन्ग एसिड कैट आयन, स्ट्रॉन्ग बेस एन आयन, इन तरह के बॉडी से हम टोटल डिजॉल्व सॉलिड, जो हमारे आँख को दिखाई नहीं देते, उन जैसे मिनरल्स को हम फिल्टर करते हैं। ऑल्सो गैसियस इम्प्योरिटीज़ लाइक डिगैसर में हम गैसियस इम्प्योरिटीज़ को भी रिमूव करते हैं। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो अबाउट डीएम प्लांट। प्लीज़ आप डीएम प्लांट, पावर प्लांट और आरओ प्लांट के बारे में नॉलेज पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे ऐसी और बहुत वीडियोज़ आएंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।